A very good evening to all of you. So finally, आपके exam के लिए अब अगर मैं आज का day include करूं तो 5 days बचे हैं. Right? Hope so आप सारे अच्छे से revision कर रहे होंगे और most important mock test जरूर लगा रहे होंगे. Right? अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो ये कि मॉक टेस्ट लगा तो लिया लेकिन उसका एनालिसिस कैसे करना है. आई नो मैंने आपको बोला था 10 डे स्ट्रेटेजी में कि आपको ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाना है. करना क्या है, एक दिन मॉक टेस्ट लगाया, फिर मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका एनालिसिस करके जो प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व किया. बट कई सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी और कई सारे स्टूडेंट्स इस जगह एक मिस्टेक कर देते हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस ही सही से नहीं करते. अब मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है बेसिकली वो ही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं. देखो सबसे पहली चीज कि लेट सपोज मैंने मॉक टेस्ट लगाया तो ट्राई करना है कि जब हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं हम कुछ सेम सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट करें जैसा एग्जाम में होने वाला है. ऐसा ना हो मैं बेड पे लेटा हूं अपने लैपटॉप को अपने ऊपर रख के मॉक टेस्ट लगा रहा हूं या बीच बीच में चाय पी रहा हूं उसके साथ साथ मॉक टेस्ट लगा रहा हूं. इससे होगा क्या, आपको पता नहीं चल पाएगा कि एक्चुअल एग्जाम एनवायरमेंट में आप कैसा परफॉर्म करने वाले हो, क्योंकि फर्क कहां आ जाएगा, टाइमिंग्स का फर्क आ जाएगा, मेंटल प्रेशर का फर्क आ जाएगा. राइट, पहली चीज तो जो हमें दिमाग में रखनी है कि हमें ट्राई करना है बिल्कुल सीरियसली होके मॉक टेस्ट देना, ये ना हो कि फोन पे ही मॉक टेस्ट देने लगे हुए हैं हम. तो ये गलतियां अवॉइड करनी है. अब हमारा मॉक टेस्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हमारे कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग है. अब रॉन्ग में जाते वक्त हम देखेंगे कई सारे अप्रोचेस को फॉलो कर सकते हैं. सबसे पहली अप्रोच हो गया सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच. सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हो गया कि आपने देखा कि किस सब्जेक्ट के आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं. जैसे IFSA की बात करूं अगर पेपर 2 की, इसमें हमारा कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, ESI है, फाइनेंस है. अब मैंने एनालिसिस किया, मेरे को क्या पता चला कि यार मेरे कॉमर्स के क्वेश्चन तो सही हो रहे हैं बट फाइनेंस के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं बहुत ज्यादा. यहां से मैंने फिगर आउट किया कि किस सब्जेक्ट को मेरे को ज्यादा रिवीजन या ज्यादा फोकस करने की जरूरत है. ऐसा ना हो कि जोन से सब्जेक्ट हमारे सही हो रहे हैं या जिसके हम जो गैस ले रहे हैं वो भी सही हो रहे हैं, उन्हीं चीज की हम रिवीजन कर दे रहे हैं. राइट, कभी कभार क्या होता है, जैसे मेरे साथ पर्सनली होता है कि फाइनेंस कॉमर्स जैसे क्वेश्चंस के जो मैं गैसेस लेता हूं मेरे सही जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब मैं आपको अकाउंट फाइनेंस वगैरह पढ़ाता रहता हूं डेली बेसिस तो मेरे आंसर गैसेस सही रहते हैं. लेकिन जो दूसरे सब्जेक्ट हो गए मैनेजमेंट वगैरह हो गए जिनको मैं टैकल नहीं करता, अगर मैं उनके क्वेश्चन देखता हूं तो मेरे गैसेस कम रॉन्ग जाते हैं. तो यहां हमें पता करना है कि हमारा वीक पॉइंट कहां है और उस वीक पॉइंट के ऊपर ज्यादा वर्क करना. राइट, समझ आ गया. तो लेट्स सपोज अगर आप आज रात को मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो कल आपको, या फिर अगर आप कल सुबह लगा रहे हो तो कल शाम को आपको क्या करना है, आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना है, वो सब्जेक्ट सबसे पहले रिवाइज करना है जिसके मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं. समझ आ गया. ऐसे ही सिमिलरली अगर पेपर 1 की बात करूं तो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में आपको फिगर आउट करना है कि कौन से टॉपिक में गलतियां हो रही हैं. ठीक है, समय आ गया. लेट सपोज मैंने ये दो गई हमारी सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच. एक चीज और कर सकते हो आपकी, आप उस सब्जेक्ट बेस्ड अप्रोच के बाद आपने फिगर आउट किया कि वो कौन से टाइप का क्वेश्चन है, कौन से टाइप का क्वेश्चन है. अब टाइप का मतलब क्या हो गया, मेरा
देखो क्वेश्चंस कई सारे टाइप के हो सकते हैं, या तो वो फैक्चुअल क्वेश्चन हो राइट, या तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो, क्योंकि फाइनेंस आनी है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, या तो आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन ठीक है। जनरली कई सारे स्टूडेंट्स, या मैं पर्सनली बोलूं, मैं खुद फेस करता हूं प्रॉब्लम फैक्चुअल क्वेश्चंस में। मेरे को लर्न करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पता नहीं क्यों, बचपन से ही। तो आपके केस में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अब एग्जाम तो देने था तो क्या कर लेते हैं। अब अगर आपके फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा गलत हो रहे हैं, देन व्हाट यू हैव टू डू कि जो से फैक्ट्स गलत हो रहे हैं उनको बार बार रिवाइज करो, बार बार उसे माइंड में रिकॉल करो। जैसे अगर मेरे को कुछ चीज लर्न करनी होती थी ना, मैं क्या करता था कि उसको मैंने लेट सपोज सुबह टारगेट कर लिया कि आज इन 5 पॉइंट्स को मैं लर्न करूंगा या इन 5 डेट्स को मैं लर्न करूंगा। अब मैं जब ब्रश कर रहा हूं ना, तो एक बार माइंड में मैंने घुमा लिया कि ये 5 पॉइंट्स है। अब मैं जब मैं बात ले रहा हूं ना, मैंने उन पॉइंट्स को फिर से 5 टाइम्स माइंड में रिकॉल कर लिया। या फिर अगर मैं स्कूटी ड्राइव करके ऑफिस तक आ रहा हूं ना, तो मैंने 5 पॉइंट्स को फिर से रिवाइज कर लिया स्कूटी में आते वक्त। मतलब उधर क्या है, मेरे को ऐसे पकड़ नोट्स लेके पकड़ के रिवाइज भी नहीं करना। अब उसी कंसेप्ट को जब मैंने दिन में 5 to 6 टाइम रिवाइज कर लिया ना, उससे एडवांटेज क्या हुआ, मतलब ही नहीं बनता कि वो महीना कहीं गया मेरे माइंड से, वो 100% मेरा याद हो गया उसी जगह पे। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, अगर आपके फैक्ट्स रॉन्ग हो रहे हैं, फैक्चुअल क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, तो आपको उसको याद करना है। या लर्न करने की टेक्निक भी बता दी, कोई सेपरेट टाइम नहीं देना, सेपरेट टाइम देकर रटेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है। फर्स्ट टाइम सेपरेट टाइम देना कि हाँ मैं इसको ऐसे रिकॉल करूंगा। या एक चीज और मैं बहुत अच्छी चीज कर लेता था, मैं शॉर्टकट्स बना लेता था, या कोई इमेज क्रिएट कर लेता अपने माइंड में, या कोई इमेज क्रिएट कर लेता था अपने माइंड में ठीक। ये आप दो चीजें कर सकते हो फैक्चुअल क्वेश्चंस के लिए। अच्छा फिर बात आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या क्वांट या रीजनिंग के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो इसका बच्चों एक ही सॉल्यूशन है, दैट इज प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे आप, उतने आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही होंगे। तो अगर आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उस शाम को बैठो, उसके जो भी टॉपिक है उसके 15 to 20 न्यूमेरिकल्स ऑन द स्पॉट करो। अगर क्वांट में रीजनिंग में कहीं भी गलत हो रही है, तो उसको ये चीज करो, आप प्रैक्टिस करो, उसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर आती है हमारी बात कंसेप्चुअल क्वेश्चंस की। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस गलत होना एक थोड़ा सा मतलब ये होना चाहिए कि यार ये क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि जब आपने पढ़ा उसे, मतलब आपने अच्छे से समझा ही नहीं, अंडरस्टैंड ही नहीं करा वो टॉपिक। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन गलत हो रहा है तो फिगर आउट करो कि क्यों गलत हो रहा है, उस कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करो, उस वीडियो को जिधर से भी आपने वो कंसेप्ट पढ़ा है उस वीडियो को दोबारा देखो। ये ध्यान रखने लगा कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल क्वेश्चन के केस में। अच्छा अब इधर एक पॉइंट का आपको ध्यान और रखना है। पहली चीज कि जब आप ये चीज एनालिसिस कर रहे हो, तो एक चीज हो सकती है कि हमने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो ट्राई करना है कि भाई ये फिर गलत हो ही ना, या रिवाइज अगर फैक्ट वाला गलत प्रॉब्लम है तो लर्न करना है बार बार, जैसे मैंने बताया न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल में ट्राई करना है कि वो हो ही ना। अब कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको लगे यार मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ लिए थे या बिल्कुल भी नहीं पढ़े हुए, उस केस में आपको एक बार उसे फास्ट रीड कर लेना है बस ठीक है। 5 डेज है, ऐसा ना हो कि आप उसे इन डेप्थ पढ़ने बैठ गए, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है वो भी मिस आउट हो गया। आई नो सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, जैसे मतलब ओपन एंडेड सिलेबस है कि कॉमर्स उन्होंने लिखा हुआ है, कॉमर्स इज लाइक क्लास 11 से लेके मास्टर्स तक, अमेलगमेशन तक, यूपीएससी तक, ऐसा नहीं होगा, मतलब बहुत वास्ट है। तो उसको आपको सिर्फ गो थ्रू कर लेना है जितना आपने वो कर लिया, मतलब जो उनका क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको बस रीड आउट कर लेना है। इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, समय आ गया। थर्ड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है वो है जब आप टेस्ट दे रहे हो तो टाइमिंग्स, टाइमिंग्स। कहीं यह तो नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन को करने में, किसी क्वेश्चन को करने में ज्यादा टाइम ले रहे हो। और स्पेसिफिकली बात करूं तो ये पॉइंट आता है हमारे क्वांट और रीजनिंग के केस में। क्वांट और रीजनिंग के केस में जहां पजल्स वगैरह हो गए, डीआई वगैरह हो गए, तो वहां पे हमें देखते रहना है कि हम बहुत ज्यादा टाइम
क्वांट रीजनिंग को ना दे दें कि हमारे पास जो बाकी सेक्शन है जीए वगैरह हो गए इंग्लिश हो गए उसके लिए टाइम ना बचे, या अगर हम फाइनेंस का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है, कॉस्टिंग का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हो, अकाउंट्स का कोई न्यूमेरिकल आ रहा है तो ठीक, तो वो ध्यान रखना है कि हमारे टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो। हाँ अगर हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ले रहे हो तो ट्राई क्या करो उसकी ट्रिक्स वगैरह फाइंड आउट करने की कोशिश करो, जो एप्रोप्रिएट ट्रिक होगी वो याद करो। अच्छा एक चीज तो सबको याद होनी चाहिए, टेबल्स वगैरह और जो वो होते हैं हमारे क्यूब रूट स्क्वायर रूट्स वगैरह, तो वो बेसिक आई थिंक आप सबने लर्न कर लिए होंगे ऑलरेडी, उसको बार बार रिवाइज करते रहना। तो मैं सच्ची बताऊं मैंने अपने टेबल्स और ये जो स्क्वायर रूट्स और क्यूब रूट्स ऐसी टेक्निक से लर्न करे थे कि मैं उसे सुबह उठाता था एक टेबल, लिटरली उसे माइंड में दिन में 20 बार उसे रिकॉल करता था। फिर टेबल को भी मैं कैसे रिकॉल करता था कि लेट्स सपोज मैं 12 का टेबल लर्न कर रहा हूं या 14 का टेबल लर्न कर रहा हूं, तो 14 लेट्स सपोज ऐसे मैंने 9 कर लिया, फिर मैं रिवाइज करते वक्त 14 9 था, 14 8 था, 14 7 था, 14 6 था, ऐसे रिवाइज करता था, क्योंकि जनरली हमें ऐसे तो लर्न हो जाते हैं फिर वापसी रैंडमली पूछा जाए ना तो माइंड में नहीं आता। तो इस केस के लिए मैं दोनों अप्स एंड डाउन करता था ताकि माइंड वो ऑन द स्पॉट भी बता पाए कि हाँ भाई 14 6 क्या होता है। ठीक, ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स यूज कर सकते हो जो आप पे वर्क करे लर्न करने के लिए। टाइमिंग से क्या करना है, जो से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग रहा है उसे रिड्यूस करना है, ट्राई करना है, जहां बाद में एनालिसिस करना कि हाँ कि भाई इस जगह पे मैं टाइम को सेव कर सकता था, या लेट्स सपोज सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, कभी कभार होता क्या है हम टेस्ट देने बैठते हैं हम एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पेपर टू के केस की बात करें, जिससे होता है कि हम बाकी क्वेश्चन नहीं देख पाते। तो कहीं आपके साथ भी सेम चीज हो रही है नहीं हो रही, तो ट्राई करो जब नेक्स्ट मॉक लगाओ कि जैसे ही कोई एक स्पेसिफिक टाइम आपका क्रॉस होता है तो आपके माइंड में घंटी बज जानी चाहिए कि ठीक है यार इस क्वेश्चन को स्किप करो नेक्स्ट पे जाओ। ठीक, जब ये होना शुरू हो जाएगा ना कि हाँ भाई नेक्स्ट पे जाना है इसको स्किप करके, समझ जाना कि हाँ अब आप अपने आप को मतलब एनालिसिस करने का फायदा हो रहा है। चले आगे, एक लास्ट पॉइंट और कि हमें याद रखना है कि ये ना हो जो मिस्टेक्स मैंने अपने मॉक टेस्ट 1 में करी वो रिपीट हो रही है मॉक टेस्ट 2 के अंदर भी, जो मिस्टेक्स मैंने मॉक टेस्ट 2 में करी वो रिपीट हो रही है मेरी मॉक टेस्ट 3 के भी अंदर। अगर ये सिनेरियो हो रहा है, अगर ये केस हो रहा है, दैट मींस आपका एनालिसिस अभी भी ठीक नहीं है, जो फैक्ट्स आपके मॉक टेस्ट 1 में गलत हुए मॉक टेस्ट 2 में तो गलत होने ही नहीं चाहिए अगर क्वेश्चन आ रहा है तो, लेट्स सपोज, या कहीं भी मॉक्स लगा रहे हो आप तो। कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट रखनी है आपको अपने अंदर। ठीक, समय आ गया, ये पॉइंट्स का आपको सारा ध्यान रखना है, प्लस क्या आप क्वालिफाई कर पा रहे हो टेस्ट को या नहीं कर पा रहे, क्वालिफाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। समय आ गया, अब कई सारे स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं बता देता हूं ऑलरेडी कि मॉक टेस्ट आप सेपरेटली परचेज कर सकते हो, इसके अंदर आपको 5 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 5 कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट है जिसमें दोनों पेपर वन एंड पेपर टू, जो फेज 1 है फेज 1 का पेपर 1 एंड पेपर 2 अवेलेबल हो जाएगा, और एक मॉक टेस्ट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, एक मॉक टेस्ट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है, वो डायरेक्टली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा मॉक टेस्ट का, उसमें अगर आप ओपन करेंगे साइन इन करोगे तो आपको फ्री वाला पहला टेस्ट दिख जाएगा जिसको आप एक्सेस करके टेस्ट दे सकते हो। ठीक, 5 मॉक टेस्ट है, आप उसके लिए एनरोल कर सकते हो अगर आपके पास कहीं और के मॉक टेस्ट खत्म हो चुके हैं या अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लिए। हाँ, जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ऑलरेडी मॉक टेस्ट उनके कोर्सेज में ही अवेलेबल हो गए होंगे। ठीक है, और जो इसका प्राइस पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट वो पड़ेगा आपको 499 रुपीज। ठीक है, इतने का तो अगर हम मैकडी वगैरह जाएं या डोमिनोज वगैरह जाएं तो वहीं खर्च कर देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत एक्सपेंसिव है, इट्स ऑल लाइक कि हाँ आप इन्वेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर। तो कई बच्चे ये बोलते हैं कि आप इन्वेस्टमेंट के नाम पे लूट रहे हैं, बट ऐसा होता कुछ नहीं है। पढ़ाई चाहे हमारा एग्जाम क्लियर हो या ना हो, एक बार के लिए जितनी हम एजुकेशन लेते हैं वो कहीं ना कहीं फ्यूचर में रिटर्न जरूर देती है। ठीक है, चलो ये हो गया कि अगर आपको एनरोल करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। अगर कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो,
और जो एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके डिस्कशन फॉर्म में सारे डाउट सॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी और हो रहे हैं साथ साथ, तो वहां पे भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। कोई भी अब टाइम वेस्ट नहीं करना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।